नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर जनपद बांदा से है, जहां पर तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने दो पहिया वाहन को मारी टक्कर। चार पहिया वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर हुई मौत। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। उपचार के दौरान पत्नी और बच्ची ने तोड़ा दम। पुलिस चार पहिया वाहन को पकड़ लिया गया है। मृतकों के परिजनों को दी गई सूचना। घर में मातम का माहौल। सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मर्चरी हाउस। मामला थाना बिछड़ा अंतर्गत बांदा बबेरू मार्ग का है। अच्छा, कहे से हुआ है? चार पहिया। कौन सी गाड़ी थी, जानकारी है? नहीं जानकारी। अच्छा, भाग गए हैं वो गाड़ी वाले की जो है? गाड़ी खड़ी है, खड़ी है। अच्छा, जो है तो कितने, क्या बता रहे हैं डॉक्टर, कितने लोगों की मौत हो गई? दो आदमी। मतलब आपके जो है दमाद? दोनों दमाद कहाँ के रहने वाले हैं? पड़वार के। पड़वार थाना मटौंद? मटौंद नहीं, ये गौरहार पड़ता है। अच्छा, मध्य प्रदेश? हाँ। अच्छा, तो ये मझिला से आ रहे थे बांदा? हाँ, गांव जा रहे थे। गांव जा रहे थे अपने? तभी ये बच्ची भी और घायल है, गंभीर है। हाँ सर, अभी सड़क दुर्घटना का एक मामला आया था, कितने लोग थे, कितनों की मौत हुई? अभी सड़क दुर्घटना का मामला है, इसमें एक पति पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। पति पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, और बच्ची जो कि करीब 8 महीने की थी, इसका नाम इष्टी है, इसको यहाँ पे लाया गया था। इसके बाद इसकी हालत यहाँ पे गंभीर होने के कारण इलाज की जरूरत उसकी। क्या कुछ जानकारी, कैसी दुर्घटना? ये थाना बिसंडा अरिया के पास एक्सीडेंट हुआ है, किसी वाहन ने उनकी टक्कर मारी थी, ये ऐसा एक्सीडेंट। क्या घटना में तीनों की मौत? दो की मृत्यु हुई थी, अब इस समय पे बच्ची की इलाज के बाद मृत्यु हुई।